ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में कोरोना बढ़ने के साथ प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन प्लाज्मा बैंक डोनर्स की कमी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में दो प्लाज्मा बैंक हैं, एक LNJP और दूसरा ILBS अस्पताल में। वहीं आपको बता दें कि LNJP के MD सुरेश कुमार ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से हर दिन 8 से 10 प्लाज्मा की मांग आ रही है, लेकिन दिन में सिर्फ 2 या 3 ही प्लाज्मा डोनर प्लाज्मा देने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास काफी संख्या में प्लाज्मा है, लेकिन फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा देने के लिए आगे आएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पैरामिलिट्री फोर्स को पत्र भी लिखेंगे ताकि वे भी प्लाज्मा डोनेट करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग ठीक हुए हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। मसला ये हुआ है कि पिछले 3 से 4 महीनों में बहुत कम केस थे, जो एलिजिबल डोनर हैं वो काफी कम है। अचानक मामले बढ़े हैं, उससे पहले बहुत ही कम केस थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्लाज्मा डोनेशन ठीक होने के 15 दिन बाद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।